हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं टमेटो चीज पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 लीटर पानी बॉईल कर लिया है और ये 500 ग्राम पास्ता, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे 10 से 20 मिनट तक हम बॉईल होने देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। के ऊपर थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे ये ओवर कुक ना हो और आपस में चिपके भी ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें हम मैंने ये 4 बड़े टमाटर कट करके ले लिए हैं और इसे हम में डाल देंगे और हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें इन टमाटर को फ्राई करके ही इनकी प्यूरी बनानी है, ऐसे ही बनाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी देर ढक देंगे। हमारे टमाटर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हम इनको एक जार में डालकर उनकी प्यूरी बना लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अनियन डाल देंगे। यहाँ पर ये शिमला मिर्च डाल देंगे जो भी डालेंगे। प्याज डालेंगे, ये कोर्स डाल देंगे। गाजर और ये मटर, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इन्हें कुछ कम ही पकाना है ताकि इनका क्रंचीनेस बना रहे। हम इसमें 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च ऐड करेंगे। हमारी सब्जियाँ पक चुकी हैं, इन्हें मैंने 50% तक ही पकाया है। अब हम इसमें जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी उसे ऐड करेंगे। देखिए कुछ देर ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे।
अब हम इसमें एक टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच पास्ता मिक्स ले लिया है, इसे ऐड करेंगे। पनीर ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये पास्ता ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। ये देखिए हमारा पास्ता तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये 500 ग्राम पास्ता था, 4 लोगों के लिए ये पर्याप्त है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। Thank you.